महाभारत के युद्ध से बलराम क्यों दूर रहे। दरअसल एक रहस्य के कारण यदुवंश भाग ले नहीं सकते हैं, जबकि बलराम उस समय यादवों के राजा थे। यादवों के शासन का उस समय दो प्रमुख केंद्र था, मथुरा और द्वारका। द्वारका के 56 कबीले के प्रमुख बलराम थे, जबकि 45 कबीले के प्रमुख उग्रसेन थे। ययाति को दिए वचन के अनुसार दरअसल यादव राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं, न अपने भाइयों से युद्ध कर सकते हैं। सबको मालूम है पुरु यदु के भाई ही थे, कौरव या पांडव पुरु या कुरुवंशी ही थे। यही कारण है यादव दिए वचन के अनुसार उनसे युद्ध नहीं कर सकते थे, तब तक कि यादवों को उनसे खतरा ना हो। उनके शासन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि यादवों का संबंध तो कौरव पांडव दोनों से था। यादवों का नुकसान तो दोनों ने नहीं किया था। पांडव बुआ के लड़के थे और अर्जुन दामाद, तो दुर्योधन श्री कृष्ण का शमदी और शाम्ब का ससुर था। अब मदद दोनों मांगे यादवों के राजा बलराम से। सब जानते हैं श्री कृष्ण राजा थे, मगर ये गलत है। यादवों में राजा कोई होता नहीं है, श्री कृष्ण तो केवल सेनापति थे। यादव शासन हमेशा गणतंत्र के अनुसार चलता है। आज भी द्वारका में 52 गज का ध्वज फहराया जाता है और 4 छोटे ध्वज वो प्रतीक है कि 56 यादव कुलों का शासन था। द्वारका में 56 सीढ़ी भी है, वहाँ सब कुल मिलाकर प्रमुख चुनते थे, ठीक आज के जैसे ही संसद प्रणाली की तरह। लेकिन जब बलराम से पूछा गया, तब बलराम युद्ध में भाग लेने से मना कर दिए थे। बोले श्री कृष्ण से मिलो। अर्जुन दुर्योधन दोनों मिले। श्री कृष्ण बोले मैं यादव प्रमुख हूँ, ना ही मेरे पास अपराज्य नारायणी सेना है, सिर्फ मैं इसका ही प्रमुख हूँ। एक तरफ एक अपराजेय नारायणी सेना ले लो और एक तरफ मैं रहूंगा, मगर मैं अकेला सारथी ही बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। सत्यविक अर्जुन का मित्र था, अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार पांडव के साथ रहा। दरअसल लोग कहानी करते गए हैं उल्टा सीधा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कव्य कवियों के एक कल्पनाओं के अनुसार भी अपने नायकों को अलौकिक चमत्कारी बना देता है। खासकर यादवों में कव्य रचना का सहारा बहुत लिया जाता है। उनका नुकसान भी है और फायदा भी, मगर नुकसान तब होता है जब उसमें पाखंड मिला दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं।